हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद 24 जनवरी से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट का दौर देखा गया। उसके बाद इनमें थोड़ा बहुत सुधार भी आया, लेकिन कुल नुकसान की भरपाई करने से ये ग्रुप कोसों दूर है। इसके नतीजे में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी इस साल सबसे ज्यादा दौलत गंवाने के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गए। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से पहले वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन अब वो 21वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार एक महीने से भी ज्यादा वक्त तक गिरावट रही और इस वजह से गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 35वें नंबर तक लुढ़क गए थे। इस साल उनकी नेटवर्थ में 60.7 अरब डॉलर की गिरावट आई है, जिसके बाद ये घटकर 59.8 अरब डॉलर रह गई है। इस नुकसान की वजह से अडानी ने इस साल जितनी नेटवर्थ गवाई है वो एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स की इस साल की कुल कमाई से भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा दौलत कमाने के मामले में मस्क पहले नंबर पर हैं। इस साल मस्क की नेटवर्थ में 38.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और वो 176 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। बेजोस की नेटवर्थ 14.5 अरब डॉलर बढ़ी है और वो 121 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे बड़े रईस हैं। गेट्स की बात करें तो इस साल 7.03 अरब डॉलर की कमाई की है उन्होंने और वो 116 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इस तरह मस्क, बेजोस और गेट्स ने इस साल कुल 60.3 अरब डॉलर कमाए हैं, जबकि गौतम अडानी ने अकेले 60.7 अरब डॉलर गंवा दिए हैं। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग दूसरे नंबर पर हैं। इस साल की ज़करबर्ग की नेटवर्थ में 30.2 अरब डॉलर की तेजी आई है और वो 75.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं। उनके ऊपर 12वें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। अंबानी की नेटवर्थ में इस साल 11.3 अरब डॉलर की गिरावट आई है और उनकी नेटवर्थ अब 75.8 अरब डॉलर रह गई है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में 8 अमेरिका और 2 फ्रांस के हैं। बर्नर्ड आर्नोल्ड 189 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। यानी अमीरों की लिस्ट में इस साल ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है और अकेले अडानी सबसे ज्यादा नुकसान उठाने को मजबूर है।